startups, entrepreneurship, starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m., I'll see you there. As individuals, बहुत अच्छे options हैं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएं. आप क्यों नहीं जाते छोड़ के? The most amazing thing is कि पाकिस्तान में हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है और उस हमारे पास स्किल भी है. अगर हम लोगों को सही ट्रेन कर दें तो हमारे पास स्किल भी बहुत आ जाता है. बहुत बड़ा जो डेटा लोग भूल जाते हैं वो ये है कि जो नॉर्वे में 10% पॉपुलेशन है पाकिस्तानी से. पाकिस्तान से लोग बाहर गए वो इस वजह से ही बाहर एक्सेप्ट हो पाए कि उनके पास कोई स्किल था, इंजीनियरिंग थी, मेडिकल था, कुछ भी एक्स वाई जेड स्किल था. इस वजह से बाहर वालों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया. व्हाट डू यू थिंक कि जी वो जो जहाँ पे बिजली अवेलेबल है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और जहाँ पे बिजली अवेलेबल नहीं है वहाँ पे क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असाद अलावाला एंड वेलकम बैक टू अनदर स्टार्टअप पॉडकास्ट. आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं, आज हम मेहमान बना के लाए हैं इनको. ये मेरे भाई हैं, ये मेरे कज़न हैं. हम बचपन से अब तक बड़े साथ हुए हैं. तो आई एम रियली हैप्पी कि ये फाइनली एक तो पॉडकास्ट पे आ गए और दूसरा इन्होंने अपना पॉडकास्ट शुरू करना तो अभी तक किया नहीं है, 2-3 साल हो गए. बट रिगार्डलेस आज हमारे साथ हैं यूसुफ अल्लावाला. यूसुफ जो हैं वो एक सोलर का काम करते हैं काफ़ी बड़े स्केल पे और हमारी आजकल गपशप उसके अराउंड ही होगी. और उससे पहले आई वॉन्ट टू गेट इन टू सम कॉन्वर्सेशंस अबाउट अस, लाइक आर पास्ट, हाउ वी ग्रू अप. बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी क्वेश्चंस ना कि जी आपका घर कैसा था, क्या था. यूसुफ का घर भी तो वैसे ही था बिल्कुल. और मतलब वो चीज़ें अब मेरा पर्सपेक्टिव, चलो मैंने इतने सारे पॉडकास्ट भी चला भी किया, नहीं इतने सारे तो खैर नहीं हुए लेकिन थोड़े से हो गए और अब इतने सारे बता भी अपने भी कर लिए. तो पहले तो भाई शुक्रिया कि आप आ गए लेके आए और कल हम दोनों सोते रह गए. आप भी सोते रह गए थे ना? नहीं चलो खैर, लेकिन आज हमने फाइनली ये कर लिया है एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये सब अब फाइनली हो रहा है. यूसुफ, हम लोग कैसे बड़े हुए थे और मतलब पॉकेट मनी नहीं मिलती थी, सब की चीज़ें नहीं होती थी, वो सब कैसा होता था आपके लिए, आपके पर्सपेक्टिव में कैसा था सब कुछ? बड़े होते हुए हर चीज़ फ़र्क होती थी और वो एक पर्सपेक्टिव बिल्कुल फ़र्क था. और बल्कि क्या फ़र्क क्या, हम जो है हर बंदा एक ही जैसा था और हम हमारे मोहल्ले के दोस्त नहीं थे मगर हम ही अपना मोहल्ला था. एक ही सहन था जिसमें हम खेलते थे, उसी में साइकिल चलाते थे, उसी में पानी के साथ खेलते थे, जो भी चीज़ें होती थी वहीं होती थी. साथ स्कूल जाते थे, साथ स्कूल जाते थे. एक बहुत ही रेगुलर हमारा दिन होता था जैसे हर जगह होता है. और इसके बाद फिर इंटरनेट आ गया और मुझे याद है कि 2006 या 7 की बात होगी, एक कोई एक डब्बा आया था नीचे. सो हम ऊपर नीचे रहते थे, एक टेबल थी उस पर एक डब्बा आके रखा गया था. कह ये क्या होता है? फिर उसके साथ एक और थी, उसको कह देते हैं मॉनिटर. उस मॉनिटर पे एक जो है गेम डाउनलोड किया गया था और उस गेम के अंदर कोई 100 गेम्स और थे. तो वो फिर उसके बाद से वो चेंज आया कि हम सारे जो है हम सब एक साथ बैठ के उसी गेम के साथ लगे रहते थे सुबह से शाम तक. और फिर मगरब के बाद जो है मम्मी बुला लेती थी. ये जो है बहुत तेज़ी से स्पेशली जो चीज़ें चेंज हुई हैं इन पिछले 20 सालों में, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है. मुझे याद है कि अजोंग ने एक फ़ोन निकाला था गूगल का आइडियोज, हाँ, और वो ब्लू था ब्लू ब्लू. और उससे पहले हम वीडियोस देख के बहुत अमेज होते थे, ऐसा फ़ोन भी होगा, ये भी होगा, फ़ोन के अंदर से लाइटर भी निकलेगा, ऐसा भी होगा, फ़ोन हार्ट रेट भी बता सकता होगा, क्या बड़ी बात होगी. और वो आइडियोज़ का मुझे आज भी याद है कि पहले जो पिक्चर्स खींचते थे तुम, द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज़ कि पाकिस्तान में हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है और उस हमारे पास स्किल भी है. अगर हम लोगों को सही ट्रेन कर दें तो हमारे पास स्किल भी बहुत आ जाता है माने की. मगर फिर इवेंचुअली हर चीज़ इतनी तेज़ मूवमेंट हुई कि आज 4K मूवीज़ जो है फ़ोन से बन रही है. 4K एंड 120 FPS ऑन आर लिटिल टाइनी स्मार्टफोन्स. जो याद है हमने कार्डबोर्ड से जो गाड़ी बनाई थी? बिल्कुल, हमने कार्डबोर्ड से फॉर्मूला 1 की गाड़ी बनाई थी. टेप लगा लगा के और फिर पेंट किया था उसके ऊपर.
पता नहीं वो गई कहाँ, बट आई थिंक यूसुफ की पे मुझसे भी घर में दोस्ती होती थी, मेरे बड़े भाई से भी दोस्ती थी, और हम लोग अलग अलग हरकतें करते थे. एक टाइम मुझे याद है कि हम दोनों आपके वाले फ्लोर पे बैठ के डिस्कस कर रहे थे, पॉकेट मनी मिलती नहीं थी, उन दोनों मैं केक बेच रहा था, तो ये डिस्कस कर रहे थे कि आईपैड लेना है और कितने केक बेचने पड़ेंगे कि हम आईपैड ले लें, क्योंकि जी पैसे तो मिलने नहीं है कहीं से, और ना कोई ला के देगा, तो क्या करें और किस तरह करें. एंड देन वन टाइम वी वर प्लेइंग विद फायर क्वाइट अ लॉट, और मोम से वो जो आग नहीं भड़की थी, उसके बाद से मैंने आग से नहीं खेला. तो खैर, आज यूसुफ जो हैं वो अपना काम भी कर रहे हैं और काफ़ी बड़े स्केल पे. बट जो ये स्टोरी है ना कि शुरू कैसे हुआ, वो बड़ी हमारे घर में भी बहुत कम लोगों को एक्चुअली पता है. और किस तरह आपने बस अपना वो हिप्स पूरा करा भी नहीं था उन दिनों, या कर लिया था? कर लिया था. और फिर आपने ऑनलाइन खुद ही बेचना शुरू किया था, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसमें आए थे, राइट? तो मज़े की बात यह है कि ओ लेवल्स के ट्यूशन के सर घर आते थे, और उनको कहीं से पता चल गया कि हम सोलर पैनल्स का काम करते हैं. उनका कि जिसको भी पता चलता है उसका अगला सवाल ये होता है कि मेरे घर के लिए कितना है पैसे लगेंगे, उनका मेरे घर के लिए कितने पैसे लगेंगे. मैंने ऑफिस से पूछा कितने पैसे लगेंगे, जो भी आया मैंने बता दिया. और वो जो है एसएच लेने वाले शायद अब तो उन्होंने ले लिया, अगर वो थे नहीं उस वक्त कि भाई मस्ती करूँ और लूँ नहीं. उन्होंने काफ़ी आगे पीछे कराया कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है. मैं इंफॉर्मेशन लेके देता रहा, शायद मैंने उस वक्त कनेक्ट करा दिया होता डायरेक्टली तो एक अलग चीज़ होती, इंफॉर्मेशन लेके दे दिया. फिर मुझे ख्याल आया कि यार मैं हमेशा से ये सुनता था कि हमारे पास सबसे बेहतर प्रोडक्ट एट द बेस्ट प्राइस होता है हमेशा से. मैंने कहा जब अगर हमारे पास हमेशा से ये एडवांटेज है ही, तो क्यों ना मैं इस एडवांटेज का इस्तेमाल करूँ. फिर मैं OLX पे गया और OLX पे देखा कौन कौन लगाता है. जो जो लगाते हैं आइडियली वही उसका सबसे बड़ा कस्टमर था, क्योंकि हम लगाते ही नहीं थे, हम सिर्फ इक्विपमेंट देते थे. मैंने उन्हीं को पिच किया कि भाई जो है हमारे भाई यही होता है, आपको चाहिए. तो सरप्राइजिंगली मेरा ख्याल है दो तीसरा हफ्ता था और कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो मैं भी उम्मीद ऑलमोस्ट हार चुका था. उस वक्त की हमारी काफ़ी बड़ी सेल थी, कोई 50-60 लाख रुपये की थी, और वो एक भाई ने हमें ऑनलाइन पैसे करा दिए बग़ैर जाने बग़ैर पहचाने. ना मैंने उनको कभी देखा आज तक, ना उन्होंने मुझे कभी देखा आज तक. अब वो सिर्फ व्हाट्सएप पे हुआ, उनको भरोसा था कि इस अकाउंट पे जा रही है, इसका मतलब है कि लेजिट है, और मुझे पता था पैसे आ गए तो वो लेजिट है. वो बंदा आया हमारे वेयर हाउस, मटेरियल पिक करके ले गया. तो वो मतलब वो बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी कि भाई ये हमारी बहुत बड़ी सेल हुई कंपनी के लिए भी. उस वक्त मैं कंपनी का पार्ट नहीं था, उस वक्त मैं अपने ही कर रहा था, और इनिशियली यही डिसाइडेड था कि आप कंपनी के पार्ट हैं भी नहीं, आपने जो भी करना है वो ऑन योर ओन करना है. तो वो चलता रहा, अच्छा चलता रहा, और उसके बाद इवेंचुअली फिर ये हो गया कि भाई अब आप कंपनी में आएँ और कंपनी के लिए ही काम करें. और कब की बात है ये, कितने साल के थे आप? ये 2018 की बात है, 2018 से 19 में मैंने अपना किया था, और उसके बाद फिर प्लेटफॉर्म पे आ गए थे 16 साल में. और मुझे अभी भी याद है कि चाचा ब्रैक कर रहे होते थे यूसुफ का, देखो कितना कमीशन आ गया. और मैं बेटा उस वक्त जो है सोलर का अच्छा टाइम था, टाइम तो बहुत अच्छा है आज, टाइम तो आज वैसे ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा उसको इस्तेमाल करना है. उसके बारे में आज अब हम अगले सवाल करेंगे. तो यूसुफ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारे यहाँ आज भी लोग सोलर का नाम सुनते हैं तो या तो ये सोचते हैं कि बिजली मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, बहुत महंगा है, या ये वाला पर्सपेक्टिव आहिस्ता आहिस्ता जा भी रहा है. मगर अभी तक हम लोग आई थिंक अगर 10,000 मेगावाट लोगों ने लगाया भी है और हमारी 20,000 कंजम्पशन है, तो 50% या 1/3 ऑफ द कंट्री इज़ यूजिंग सोलर पैनल्स. चलो 10,000 अगर लगाया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो 24 घंटे चलता है, क्योंकि 6.5 घंटे ही चलता है. उसमें से अगर 50% भी सही से लोग चला रहे हैं, सो वी स्टिल एट अ लेट्स से 20-15% अडॉप्शन इन द कंट्री, एंड वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, राइट, एट अडॉप्टिंग सोलर. हम एज ऑफ नाउ सेकंड या थर्ड पोजीशन में डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में. तो व्हाट इज सोलर पैनल्स एंड हाउ डज इट एक्चुअली हेल्प अस? सोलर पैनल एक डिवाइस है जिसके थ्रू आप अपनी एनर्जी प्रोडक्शन कर सकते हैं.
और कोयले के प्लांट भी होते हैं, थर्मल के प्लांट्स भी होते हैं. गिरसकुलर जो है वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज है, कहीं पे भी लग सकता है, कहीं पे भी चल सकता है, ग्रीन एनर्जी है. तो हमारे एनर्जी के जहाँ जहाँ मसाइल हैं वो सारे हम सोलर के थ्रू हल कर सकते हैं. एंड टू अंडरस्टैंड ये आता कहाँ से है, ये इतना सस्ता हुआ कैसे, जब मुझे याद है हमने जब लगाया था इनिशियली, याद से 10 रुपये लगाया होगा हमने ऑफिस में, ज़्यादा राइट. तो उस वक्त तो भाई कोई देखता था कि सोलर पैनल लगाए हुए तो होते थे कि इतनी क्या फ्यूचरिस्टिक सा हाउस है. आज हर एक के घर पे आज नहीं लगा हुआ होता, विच शुड बी द केस, बट आज ये सिनेरियो है कि हर एक को पता होता है सोलर पैनल क्या है. बसों के ऊपर बिल वो लगे हुए होते हैं एडवर्टाइजमेंट्स, रोड के ऊपर एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं कि अपना बिजली का बिल जीरो कर लो, जो हम लोग एड शुरू में सोच रहे होते थे, बनाए भी तय थे अब पोस्ट नहीं किए. तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए ये सब शिफ्ट कैसे आया कि मतलब इतना सस्ता भी तो हो गया ना, वो क्यों हुआ? तो आप सस्ता बहुत क्यों हो गया ये अब हमेशा. सो अगर हम पुरानी बात करें 1980s 90s में, तब तो बहुत महंगा होता था और तब ये सिर्फ स्पेस के लिए यूज़ हुआ करता था. 2000s से फिर जो है पाकिस्तान में अडॉप्शन शुरू हो गई थी. सो जो बहुत पुरानी ऑयल फील्ड्स हैं या जो ऑयल टैंक्स हैं जहाँ पे स्टोरेज होती है, वहाँ पे भी बहुत पुराने सोलर सिस्टम्स लगे हुए हैं. 2007-08 में बड़े प्रोजेक्ट्स लगना शुरू हो गए थे, मगर वो जो है किसी इंडस्ट्री ने, किसी को बहुत शौक है ग्रीन एनर्जी का, उस वक्त वो लगा लेते थे. उस वक्त भी पे बैक 10-12 साल हुआ करता था, मगर लोग ऐसे लगाते नहीं थे, लोगों को पता भी नहीं था. फिर उसके बाद जो है इसमें और लोग आते रहे, चाइना में कंपनीज शुरू हो गई. सो ये वो पीरियड था जिसमें चाइना में काफ़ी कंपनीज खुलना शुरू हुई और अर्ली 2000s बहुत इंडस्ट्री लगी ना चाइना में नई वाली. सो सोलर की तो एक एक करके लगना शुरू हुई, 2015 तक भी लगती रही. और क्योंकि उसके बाद ये हुआ कि अगर हम कमिंग टू 2015-16 ये हुआ कि जो है इस सोलर बहुत एक सेक्सी वर्ड रहा और सोलर में पैसे बहुत रहे, इसीलिए सोलर मतलब लोग ये कहते हैं कि गोली चलती है तो ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे हो जाती हैं. इसी तरीके से सोलर भी हो गए, कमोडिटी बन गई और उसमें प्राइसिंग ज़्यादातर सप्लाई रेंट के लिए ज़्यादा अच्छी होती थी कि भाई सस्ता बन रहा है, महंगा बिक रहा है और बिक बहुत तेज़ी से रहा है. ये ऐसी चीज़ थी कि इसकी मार्केट हर साल डबल हो रही थी. कुछ नहीं हो रहा तो ये मतलब एक इस साल अगर 100 बिके तो अगले साल 200 बिकने ही बिकने हैं, फिर 400 बिकने ही बिकने हैं, 800 बिकने ही बिकने हैं. तो हाई पकड़ रही थी, चीज़ें होती रहीं चाइना में क्योंकि प्रॉफिट्स अच्छे थे. इन्वेस्टमेंट्स आती गई. फिर एकदम से ये हुआ कि इन्वेस्टमेंट्स इतनी ज़्यादा हो गई, फैक्ट्रीज इतनी ज़्यादा लग गई कि दुनिया में इतनी खपत नहीं. खपत भी बढ़ ही रही थी, मगर फिर ये हुआ कि US ने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स पे टैक्सेशन बढ़ाना शुरू की. इनिशियली लगाए, फिर एक एक करके बढ़ाते रहे. यूरोपियन यूनियन ने कहा कि भाई हम तो ख़ुद मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं क्योंकि यूरोपियन टेक्नोलॉजी हमेशा से मशहूर रही है, तो वो अपने आप को बढ़ाते रहे. और फिर इवेंचुअली इस साल सब ने जो है कोशिश की कि भाई हम लोकलाइज प्रोडक्शन को ज़्यादा फेवर करें. क्योंकि वो ऐसा हुआ तो डिमांड बहुत ज़्यादा गिर गई. अमेरिका बहुत बड़ी मार्केट है, यूरोप बहुत बड़ी मार्केट है, वो क्योंकि बंद हो गई, मटीरियल बिकना तो है, फैक्ट्री चलनी तो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फैक्ट्री चलती रहे, इसलिए प्राइसेस आहिस्ता आहिस्ता गिरती गई. और ये ओवरऑल हर प्रोडक्ट में यही रहा कि क्योंकि इतनी ओवर सप्लाई थी इसलिए प्राइसेस कम होती गई. बट अब तो इतनी सप्लाई है कि लोग जब अब तो जैसे चाइना इज एट स्टेज के गाड़ियाँ अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा बना रहे हैं, वो हर चीज़ अपनी कंजम्पशन से ज़्यादा बना रहा है, हर जगह डंप कर रहा है. डंप तो नहीं कर रहा बट लाइक बेच रहा है कि वो अपने जो प्लांट्स हैं वो चलते रहें और इस तरह चलते रहें, इसलिए थोड़ा सब्सिडाइज भी कर रहे हैं. US इसीलिए सबसे ज़्यादा डरा हुआ है ना कि जी उनकी सबसे सस्ती गाड़ी जो Model 3 को कम्पीट करती है वो $12,000 की है, US में वो $35,000 की है, तो उसको कैसे काउंटर करें. फिर एक तरफ अब आपने मुझे 2-3 इसी महीने बल्कि बताया चला है कि लिथियम आयन भी सस्ता हो गया, बहुत ज़्यादा सस्ता हो गया. और उसकी वजह से जो एक पर्सपेक्टिव था कि जी लिथियम बैटरीज जो सिर्फ हमारे फ़ोन तक ही रह सकती हैं क्योंकि इतनी महंगी होती हैं, वो अब हमारे घर को पावर कर सकती हैं. या लिथियम का जो पहले मैं देखता था वो ये होता था कि टेस्ला बना रहा है लिथियम की पावर पैक्स, क्योंकि वो टेस्ला है, वो बना सकता है, वो जहाँ लगा रहे हैं वो फ्री में लगा रहे हैं, और जो ख़रीद रहा है वो बहुत अमीर इंसान है अमेरिका में भी,
वो आज भी ये नहीं है कि आम बंदे को इतना जीरो पे लोन मिल गया और उसके ऊपर उसने सोलर लगा लिया, उसको पे बैक उतना अच्छा है. तो कमिंग बैक टू पाकिस्तान इन आर सिनेरियो हियर एंड देन आल्सो आईड लाइक टू टॉक अबाउट द रीजन के अफगानिस्तान है, ईरान है, बट पाकिस्तान में अगर देखें तो आज भी अगर मैं अपनी हम अपनी बिल्डिंग का लेकर हम सोलर पे चल रहे हैं, लेकिन साथ में लेट्स से 10 घर इधर 10 घर इधर किसी ने सोलर नहीं लगाया हुआ, राइट. तो शादी हॉल बने हुए हैं, उनकी कंजम्पशन बहुत होती है, उन्होंने कोई ज़ीरो सोलर लगाया हुआ. हालांकि उन्होंने अभी नया स्ट्रक्चर बनाया पूरा लोहे का और उसमें कोई सपोर्ट नहीं है कि सोलर लगा सकें. तो इतने सारे जो सिनेरियोज हैं, इस सब को आप कहाँ देखते हैं कि इतनी अडॉप्शन जिस तरह होनी चाहिए? पहली बात तो ये है कि जी इतनी अडॉप्शन हो जाएगी अगर तो वुड KESC भी इररेलेवेंट और रेलेवेंट? सबसे पहला तो ये है क्योंकि जो बड़ा सोचता है वो कहता है यार इससे ये मेरे पर सवाल है. जो इस साल ने पाकिस्तान की मार्केट बहुत ज़्यादा बूम करी और इस साल से हर चाइना का सब इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा कि है क्या पाकिस्तान में कि इतना तेज़ वॉल्यूम आ रहा है. और ग्लोबली फिर सब ने देखना शुरू किया कि पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ है कि इतनी तेज़ी से सोलर पैनल आना शुरू हो गए. सो सिर्फ मैं आपको वो देने के लिए कि जनवरी टू नवंबर अगर 50 आए होंगे, 50 कोई भी यूनिट ले लें, तो नवंबर टू दिसंबर 100 आए होंगे. ये स्पीड थी इंक्रीज़ की कि फॉर एग्जांपल अगर हम 50 मेगावाट की बात करें या इन टर्म्स ऑफ एनी यूनिट बात करें तो स्पीड जो है हमारी इंपोर्ट की बात करें हम. सो आए का मतलब क्या? आए इसका मतलब ये है कि डिमांड कह लें कि सो 2022 में और 23 में क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन रिजर्व्स का मसला था, LCs बहुत मुश्किल से खुलती थी, पैनल कम आते थे, मगर फिर ये आहिस्ता आहिस्ता करके मसला हल होना शुरू हुआ. तो जो वॉल्यूम बढ़ा है ना वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है इम्पोर्ट का सोलर पैनल्स की बात की जाए. सो नवंबर से दिसंबर बहुत ज़्यादा स्पीड थी मटेरियल आने की. वो क्या इसलिए है क्योंकि 2022-23 में नहीं आए, या वो इसलिए है कि इसलिए भी उसकी बहुत सारी वजूहत हैं. 2022-23 में नहीं आए, प्राइस बहुत सस्ती हो गई थी पुराने इस कंपेरिजन में, हर चीज़ रही उसकी वजह. उसके बाद फिर ये आता गया आता गया आता गया और पाकिस्तान आज सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट मार्केट है. और जो इससे बड़ी हैरान कन बात है वो ये है कि ये सारा KESC में गया ही नहीं या ये ग्रिड में गया ही नहीं, इसमें बहुत सारा परसेंटेज जो है वो रूरल में गया है या ऑफ ग्रिड गया है जहाँ पे उसने कभी ग्रिड की तार को छुआ ही नहीं, उसने ट्यूब वेल लगाया उसमें, वहाँ वहाँ लगे हैं जहाँ ग्रिड का कनेक्शन ही नहीं, जनरेटर था वहाँ, जनरेटर था या कुछ भी नहीं था जहाँ पे, मतलब कंजम्पशन थी ही नहीं वहाँ पे, उसने पावर कर दिया कि और बहुत सारे देखें बहुत सारे पाकिस्तान वो कराची लॉ इस्लामाबाद के बाहर भी तो बहुत बड़ा पाकिस्तान है और वही मेजर हिस्सा है पाकिस्तान का. बहुत सारे शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पे बिजली नहीं आती, लोड शेडिंग जो है 12-15-16 घंटे होती है. तो वहाँ के लोगों ने भी तो जिंदा रहना है, गर्मी वहाँ हद से ज़्यादा होती है, तो वो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उन्होंने असल इसका फ़ायदा उठाया. हमेशा से सोलर अडॉप्शन शुरू तो रूरल से ही होती है और हुई भी थी, मगर इस साल जो डेटा आया उससे ये हुआ कि वहाँ या जो छोटे शहर हैं या गांव हैं, देहात हैं, एग्रीकल्चर साइट्स हैं, वहाँ सोलर बहुत स्पीड से लगा. तो इस वजह से ग्रिड को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, मगर ग्रिड को भी फ़र्क पड़ेगा क्योंकि सोलर इतना ज़्यादा सस्ता हो गया कि ग्रिड अवायबल रहेगा नहीं, लोग ऑफ ग्रिड हो जाएंगे और ग्रिड वायबल रहेगा नहीं. दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर KESC. बट टू आंसर द क्वेश्चन आई आस्क्ड के जी क्योंकि यहाँ पे नवाबजादे हैं हम यहाँ पे और हम नहीं लगाते, हम इतनी महंगी बिजली खरीदते हैं, वो क्या इसलिए कि हम नवाबजादे हैं और हम महंगी वीडियो बिजली अफोर्ड कर सकते हैं? मैं तो सिर्फ प्राइम इलाकों की बात कर रहा हूँ जो बंदा अफोर्ड भी कर सकता है. शायद उनको पता नहीं, या तो उनको पता नहीं या डर लगता है कि किससे लगवाएं कैसे लगवाएं, ये आदत नहीं है तो कंफर्टेबल बैठे हुए, तो ये भी हो सकता है. क्योंकि आज भी मतलब इन्वर्टर ACs एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप अपना AC बदलें, मगर आज भी जो पाकिस्तान के मेजर घर हैं और या जो ज़्यादा लोग हैं वो पुराने AC ही चलाते हैं, पुरानी अप्लाइंसेस ही चलाते हैं. सो इफ आई आस्क यू टू गिव मी अ 30-second पिच इन योर कैमरा वेयर यू कैन टेल दैट स्पेसिफिक कंज्यूमर के आप अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ वो लेट्स से विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट और विदाउट एनी लार्ज लायबिलिटीज़
how can you actually take it forward and actually save a lot of money? आज तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की. बैंक्स हम इसको प्रमोट नहीं करते, मगर दिस इज़ एन ऑप्शन कि आपको काइबोर पे मिल जाता है लोन, और 17-19% पे अगर आपको मिल जाता है या 20% पे भी मिलता है, सोलर का एनुअल रिटर्न 100% है. सो विदाउट डूइंग एनीथिंग यू आर सेविंग 80%, यू आर मेकिंग 80% मनी. सो ये बहुत बड़ी बात है कि भाई आपने कुछ करे बगैर, सिर्फ आपने बैंक गए, दो चार लोगों से मिले और आपने पैसे बनाना शुरू कर दिए, अपने घर पे IPP बना ली, अपने घर पे बिजली बनाने की फैक्ट्री या पैसे छापने की मशीन लगा ली. इतना आसान हो गया अब सोलर, इतना आसान हो गया है सोलर, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन शुड अडॉप्ट इट. मी पर्सनली आईड लाइक टू एक्सप्लोर द बैंक राउट एज वेल एंड सी हाउ दैट गोज एंड share that as an experience. And a lot of people that are doing it, I would really encourage ki ji aap please ek video bana ke dale ki aapka jo overall banking experience hai as a consumer, not as an industrialist or something like that, but as a retail consumer, residential consumer, ki ji solar laga ke kaisa experience aata hai. Aur I'm sure aap to bahut sare logon ko jante honge jinhone kiya hoga. Bahut sare logon ne matlab share nahi karte na, to pata hi nahi chalta. Solar financing se logon ne bahut 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 zyada kaam kiya hai, especially aaj लोगों को और मज़ीद करना चाहिए, क्योंकि आज ग्लोबली जो है रिसेशन चल रहा है ग्लोबली, पाकिस्तान में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं बिजनेस एंड पे, मगर उसका फ़ायदा हो रहा है कंज्यूमर को, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो कोई मतलब घर हो, ऑफिस हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, क्योंकि अगली चीज़ इतनी सस्ती है, अगला प्रोसेस इतना सस्ता है, इंटरेस्ट रेट जहाँ ऊपर जा रहे थे अब उल्टा नीचे आ रहे हैं चीज़ें, उस मतलब कंज्यूमर के लिए तो पॉजिटिव हैं कि भाई आपको सस्ता सोलर भी मिल रहा है, सस्ती फाइनेंसिंग भी मिल रही है, सस्ता ये भी मिल रहा है, सस्ता वो भी मिल रहा है. सिर्फ जो रुकावट है वो फैसला है कि आपने फैसला कर लेना है कि मैंने ये करना है, ये करना है, ये करना है, और वो बहुत आसानी से हो जाएगा. एंड जैसे बैंक वाले को जाके बोलना है कि यार ये करा दो, वो हो सकता मोस्ट प्रॉब्ली आपको कॉन्ट्रैक्टर भी दे दे कि भाई इस कंपनी से लगवा लो, ये तुम्हारे घर में एक महीने बाद आके लगा देगी, चीज़ें हो जाएंगी, अपना उधर से कमीशन भी बना लेंगे. नो दैट्स फैंटास्टिक. सो looking at the larger scale, so as we see solar expanding, as we see this market, let's say ki abhi 10,000 megawatt hamara consumption hota hai, so pakistan mein aapne kaha 10,000 megawatt aaya hai aur yahin pe khapat bhi hui hai, right? Nahi, aap do cheezon ko mix kar rahe ho. Sorry, jo ye hamari consumption hai wo in terms of units hogi, aur wo garmiyon ki sardiyon ki har time ke alag hogi. सोलर पैनल जितना है वो 10 गीगावाट या 10,000 मेगावाट जो हम 10,000 मेगावाट कैपेसिटी आई है सिर्फ इस पिछले 8-10 महीनों में. कितनी आई होगी बोला, इससे पहले मोरलेस इतनी और आई होगी या उससे थोड़ा और आया होगा, तो अभी तक कंज्यूम कितना हो रहा होगा अंदाजा नहीं है. जो मज़े की बात है वो ये है कि ये उस मार्केट में कंज्यूम हो रहा है जिसका हमें कुछ पता ही नहीं, जिसका हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है, उन खेतों में जाके लग रहा है. इसमें चिप विप नहीं होती, इनके अंदर चिप नहीं होती. मैं देखिए ट्रैक कर भी लें आप, क्योंकि वो इतनी, बल्कि ये तो हमारे लिए एक सवाल निशान है ये कि हमें, हमारे इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो है कराची लॉ इस्लामाबाद के बाहर रहती है, हमें उसको पता ही नहीं कि वो इतनी बड़ी मार्केट है हर चीज़ के लिए जो है उसको हम यूटिलाइज़ नहीं करते. वो कैश रिच मार्केट है, वहाँ पर लोगों ने अपने बिस्तरों के नीचे, अपनी अलमारियों के अंदर कितने सारे पैसे जमा करके रखे होते हैं, चीज़ होती है. वो अच्छी बात है कि इकॉनमी है, मगर उस इकॉनमी को अगर हम अपने साथ मिला के चला सकें, उसको भी फ़ायदा हो, हम भी उसका एक बेहतर इस्तेमाल कर सकें, दैट वुड बी अ वेरी बिग थिंग. चले कोई जियो मैपिंग वाला बनता हो तो हमारे पास एक कंज्यूमर बैठा हुआ है तो हमें बता, आप हमें अगर बता दें कि कितना सोलर कराची से बाहर इस्तेमाल हो रहा है, एक ड्रोन उड़ा के बता दें मैप करके, और जियो मैपिंग के लिए हमारे पास और काम भी हैं. मोस्टली कराची से मतलब कराची लॉ इस्लामाबाद के बाहर ही हो रहा है. मतलब आप हैरान होंगे कि मोरो एक जगह है सिंध में, मोरो में इन गुड डेज कोई 30-40 करोड़ रुपए का या 50 करोड़ रुपए का मटेरियल रोज जाता था, रोज डेली सिर्फ मोरो में. मुल्तान, भावलपुर, इससे बहुत बड़ी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी मार्केट्स हैं. तो वहाँ यहाँ पे अगर 50-60 का जा रहा है, वहाँ कम से कम 2-4-6 अरब रुपये का डेली मटेरियल जाता था, मटेरियल बिकता था. इतनी बड़ी मार्केट्स हैं, ये सिर्फ मैं सोलर की बात कर रहा हूँ. बाकी मतलब वाइटनिंग क्रीम, जूस, छालिया, टॉफ़ी, वो एक इटसेल्फ एक बहुत हर चीज़ अपनी मार्केट है, मगर सिर्फ मतलब मैं सोलर के नंबर्स दे सकता हूँ, वो इतने बड़े नंबर्स हैं
कि वो इकोनॉमीज बहुत बड़ी हैं. दैट्स समथिंग दैट वी यूजली डोंट टॉक अबाउट. अच्छा, कल जो मैं पॉडकास्ट देखा था उसमें दो तीन बातें हो रही थी. मैंने मतलब मेडिसिन का वो पॉडकास्ट देखा इंटरलूप के सीईओ के साथ, जो अब एक्स सीईओ के साथ जो है, जो फाउंडर थे, उन्होंने 90s में फैक्ट्री लगाई, स्केल किया, नाउ दे टॉप थ्री एक्सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान. बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, वन थिंग ही मैंशनड बिकॉज दिस डिस्कस्ड आई पी पीज एंड आजकल एक हॉट टॉपिक है. आई पी पीज जो होती हैं वो, चलो हम सबको पता है कि जी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हुए हैं एंड वाइल दे डोंट सीम फेयर एज ऑफ टुडे, लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट? तो उस सब को कंसिडर करते हुए, एंड हम लोग कल गाड़ियों में भी बात कर रहे थे कि लोकेशन वाइज, लेट्स से कि कराची से 400 किलोमीटर दूर कोई एक एरिया है, वहाँ पे बिजली अभी अवेलेबल है. एक साहब के पास एक फैसिलिटी है कराची में जहाँ पे अच्छा खासा सोलर 1 मेगावाट से ज़्यादा, राइट, अवेलेबल है, और जहाँ पे वो बैठे हुए कि जी हमसे कुछ बिजली ले लें, हमारे फैसिलिटी में आ जाए. तो ऐसे भी सिनेरियोज़ हैं. उन साहब से किसी को कॉन्टैक्ट करना हो तो प्लीज़ उस सबसे कर लें तो वो आपको कनेक्ट करा देंगे. बट इस तरह बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं जहाँ पे लोगों ने पैसे लगा के छोड़े हुए हैं और उनको अब वो बैठे हुए कि जी हमें बिजली अब अवेलेबल है, कंज्यूम करो. जी नॉलेज गैप है जो सोलर का. एक तो वो सवाल है कि इसको आपके ख्याल से क्या चीज़ है जो हल कर सकती है. मेरे ख्याल से तो आपका एक पॉडकास्ट शुरू हो जाए तो वो है किस चीज़ से हल कर सकती है. दूसरा, व्हाट डू यू थिंक कि जी वो जो जहाँ पे बिजली अवेलेबल है वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए और जहाँ बिजली अवेलेबल नहीं है वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा मसला ये है कि एनर्जी हमारी बहुत महंगी है. हम लोग वुड पैलेट्स बनाते हैं और हम लोग जो है कि इलेक्ट्रिक की बिजली को फैक्टर इन कर दें तो बहुत मुश्किल है कि हम प्लांट चला भी सकें. प्रॉफिट बनाना तो अलग बात है, और हमारा तो फिर छोटा ऑपरेशन है. टेक्सटाइल मिल्स और बाकी जो हैं यूनिट्स, उन सब की अपनी अपनी कंजम्पशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंजम्पशंस होती हैं, और उनको जो बहुत बड़ी होती हैं वो ग्रिड से बिल्कुल ही कनेक्शन काट लेते हैं कि भाई हम खुद ही बिजली बना लेंगे, खुद ही कर लेंगे. इट्स डेंजरस फॉर द ग्रिड एंड फॉर द गवर्नमेंट एज वेल. गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सोचें कि भाई किस तरीके से हम एनर्जी कंजम्पशन को बढ़ा सकें. पाकिस्तान में जो मेजर बिजली इस्तेमाल होती है वो एसी से होती है, उसके बाद इलेक्ट्रिक हीटर से होती है कि या तो हम ठंडा होना चाहते हैं या गर्मी में. टोटल कंजम्पशन पाकिस्तान की इन दो चीज़ों से होती है? टोटल नहीं, मेजर हिस्सा. टोटल में जो टॉप 3-4 में आते होंगे उनमें एसी और हीटर होता है. हम ठंडा रहना चाहते हैं गर्मी में, हम मतलब इतने कंफर्टेबल लोग हैं. उसमें इसका मसला ये, हमारी इंडस्ट्री इतनी कम है कि हमारे यहाँ मशीनरी इतनी कम लगी है कि जो ज़्यादा बड़ी मशीनरी है वो घरों के और बिल्डिंग्स के एसीज हैं कि हम ठंडे रह लें और हम गर्म रह लें. तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो काम है वो ये है कि गवर्नमेंट प्रमोट करे इंडस्ट्रीज लगना, बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ लगें, एक्सपोर्ट्स हों, चीज़ें चलती हों. उसमें वो प्लान करें कि किस तरीके से इंडस्ट्री को सस्ती बिजली दें और उसको बल्कि उल्टा ये बोलें कि यार अगर तुम आज 1000 यूनिट इस्तेमाल करो, तुम 10,000 यूनिट इस्तेमाल करो, मैं तुम्हारी प्राइस कम करूँगी. 50,000 कम करो, मैं तुम्हारी और प्राइस कम करूँगी. ताकि हम, क्योंकि हमारे पास एनर्जी बहुत एक्स्ट्रा है, बहुत एक्स्ट्रा. उसका हमें कोई कंजम्पशन प्लान बनाना चाहिए और हमारे पास ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मसाइल हैं, उसको हमें हल करना चाहिए. भाई लॉजिस्टिकली देखा जाए तो जहाँ बिजली बन रही है वहाँ उसके करीब ही तो फैक्ट्रियाँ लगाई जा सकती हैं, राइट? बिल्कुल यार, ये सब प्लान ही करके बनना पड़ेगा कि कहाँ बिजली बन रही है, कहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, कहाँ पोर्ट अच्छा है, कि कहाँ किस मार्केट में वो जानी है वो चीज़ें, तो उसको उस हिसाब से ही प्लान होना चाहिए. मगर इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ अभी ऐड अप होगी, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं और बहरिया भी जो है बहुत बड़ी, पाकिस्तान की शायद सबसे बड़ी हाउसिंग सोसाइटी होगी बहरिया कराची, और एशिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट. ज़बरदस्त. बहरिया जो है आज भी जनरेटर्स पे ज़िंदा है. बैटरी बहरिया का ग्रिड कनेक्शन है, उसने सोलर भी लगाया, मगर आज भी उसके पास एक साइजेबल यूजेज जो है वो जनरेटर से होती है. जनरेटर की बिजली बहुत महंगी होती है, बहुत 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 महंगी होती है. बहुत से कंपेयर अगर करें कि जनरेटर की बिजली है और एक सोलर और लिथियम आयन की बिजली है, तो कितने परसेंटेज वाइज है? मेरा ख्याल है कि इट शुड बी 1:8 का रेशो तो होगा एटलीस्ट, कि अगर आप सोलर बैटरी इज टू जनरेटर, मतलब ऑलमोस्ट 12.5% कॉस्ट है सिर्फ सोलर की.
हाँ मतलब सिर्फ इतनी है, या अगर एक जगह आप 15 कह लें और एक जगह 100 रुपये की कॉस्ट है, इतना बड़ा फ़र्क है इन सारी चीज़ों का। और क्योंकि ऑयल वापस महंगा होना शुरू हो गया है तो डीजल भी महंगा शुरू हो गया है, चीज़ें होंगी, और आपने जनरेटर में रोज़ तेल तो डालना ही है ना, तो आपके यूनिट कॉस्ट बढ़ता रहा। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ हैं वो आज भी जनरेटर पे हैं, क्योंकि जब तक बिजली नहीं होगी कंज्यूमर नहीं आएगा, और अगर वो ग्रिड को लेके आना चाहें तो वो इतने सारे पैसे ग्रिड मांग लेता है कि हम तार बिछाएंगे, हम ट्रांसफार्मर लगाएंगे, हम पूरा नेटवर्क लेके आएंगे अपने साथ, कि वो वायबल नहीं होता। अब बहुत बड़ा एक काम ये होगा कि लोग इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स बन जाएंगे स्पेसिफिकली फॉर द सोसाइटीज़, बहुत बड़ा सोलर लगाएंगे, बहुत बड़ी बैटरी लगाएंगे और 24/7 उसको देना शुरू कर देंगे जहाँ पे ग्रिड का नेटवर्क ही एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत बड़ा बिजनेस आएगा पाकिस्तान में, कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं उसको ऑफ ग्रिड कर देंगे और उनका बिजली का मसला हल हो जाएगा, लोग आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आई ब्रॉट अप लिथियम आयन बिफोर टू एंड नाउ यू ब्रॉट इट अप अगेन। इफ आई टॉक अबाउट लेट्स डिस्कस अ बिजनेस मॉडल अगेन, राइट? अगर एक बिजनेस को सोचें, आपने मुझसे मेंशन किया कि ट्रकों में लिथियम आयन की बैटरीज रख के हम जगहों पर लेके जा सकते हैं जहाँ पर रेंटल जनरेटर्स होते हैं, बिकॉज इट्स स्टार्ट ऑफ अ गुड ऑफ अ बिजनेस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दैट एंड वी टॉक अबाउट के जी लेट्स से के मियाँ वाली में एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसमें 1000 घर हैं और वो उसमें 500 कंज्यूमर्स भी हैं, वहाँ पर बिजली ग्रिड नहीं आती, जनरेटर चल रहा है, उधर के लिए क्या बिजनेस मॉडल है कि लेट्स से एक प्राइवेट इन्वेस्टर जाता है और उस देखता है कि मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कितने साल का रिटर्न है? सो कहीं पे भी अगर हमारे पास कंज्यूमर है और हमारे पास पता है हमने कितना लगाना है, कैसे लगाना है, आइडियली 2 से 3 साल में आप एज एन इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर सकते हैं। आपने उसमें सोलर लगाना है, उसमें आपने बैटरी ख़रीदनी है, उसमें आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, और उसके बाद मेंटेनेंस के साथ आप 3 साल में आप इतने मतलब 3 साल में आपके पैसे पूरे हो जाएंगे। और 3 साल में पूरे होते हैं, और कितने साल की वारंटीज़ होती हैं इन दोनों चीज़ों की, कि वो बंदा सोचा अच्छा मेरे 10 साल तक मेरे भाई 15 साल तक मेरे पैसे फंसे। कराची में हब पे ना 1985 का सेटअप लगा हुआ है और आज भी वो चल ही रहा है, सोलर पैनल बैटरीज, उसमें बैटरी नहीं लगी हुई, उसमें वो डायरेक्ट लगा हुआ है। बैटरी की आइडियली 5 साल वारंटी होती है, 10 साल की लाइफ कहते हैं, तो फिर भी आप 10 साल के लिए सिक्योर हैं ही है ना इन टर्म्स ऑफ बैटरी। वो 3 साल में पैसे पूरे होने हैं, आपने 7 साल बाद चेंज करनी है, 10 साल बाद चेंज करनी है, 7 साल आपने कमाना है, और वो आप क्योंकि ऑयल प्राइस बढ़ी रही है, सारी चीज़ें हो ही रही हैं, क्रेडिट प्राइस बढ़ी रही है, तो जो भी आपने कंज्यूमर को चार्ज करना है आइडियली ऊपर ही जा रहा है, और आपका फिक्स कॉस्ट है कि भाई यही था हमारा, तो और इतने साल पर हमने डिप्रिशिएट करना है, इतनी हमारी कॉस्ट रहनी है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बढ़ेगा, शुरू हो गया है, क्योंकि ग्रिड वाइबल रहा नहीं, ग्रिड को लाने की कॉस्ट एक बहुत बड़ी है, ग्रिड को यूज़ करने की कॉस्ट एक बहुत बड़ी है, किसी तरीके से हमें ग्रिड को ग्रिड अल्लाह करे बेजर हो जाए, ग्रिड यूज़ करना वाइबल हो जाए, मगर नज़र नहीं आता कैसा होगा, और अगर नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अंदर आएंगे। और अच्छा, सो लेट्स टॉक कि जी एक और बंदे के दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जी लेट्स से हम लोग 20,000 और मेगावाट मंगवा लेते हैं एंड हमारी जो फिर ग्रिड यूजेज रह जाएगी वो अभी लेट्स से 20,000 मेगावाट है तो वो 5,000 और कम हो जाएगी, ऐसा होगा या हम लोगों के पास इंडस्ट्री बढ़ जाएगी? सो इस साल जो हमने देखा वो ये देखा कि बहुत सारे लोगों का खदशा था या है कि ग्रिड से लोग जो ग्रिड का जो भी पेइंग कस्टमर होता है वो वही होता है जिसके पास पैसे होते हैं, वो टाइमली बिल दे सकता है, उसके घर में गाड़ी होती है, वो अपना कारोबार या जॉब कर रहा होता है, जो भी कर रहा होता है, उसने सबसे पहले अडॉप्शन शुरू करी, तो जो ग्रिड का अच्छा कस्टमर था जो बिल देता था वो सोलर पर आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट होना शुरू हो गया, और जो जो जितना कर सकता था जिसकी एनर्जी कंजम्पशन ज़्यादा थी वो उतना फ़ीसद अपने आप को उसने शिफ्ट किया। इसमें फिर अगेन क्योंकि हमारी मुल्क का बेशतर हिस्सा वो ये जो ऑफ ग्रिड है जिसको ग्रिड एक्टिवली मिलते ही नहीं है, जिसके ग्रिड के मसाइल बहुत सारे हैं, असल तो कंज्यूम वो कर रहा है, तो वो तो बहुत अच्छा है कि वो कंज्यूम कर रहा है क्योंकि उसकी वजह से हमारी ऑयल कंजम्पशन, हमारी डीजल इंपोर्ट, हमारी फ्यूल इंपोर्ट कम हो रही है, वो तो जो हमारी रिकरिंग कॉस्ट थी वही कम हो रही है ना, इससे अच्छा और क्या हो सकता है कि यार
इस साल 10 आए, अगले साल 20 आए या 15 आए, तो वो तो ग्रिड के लिए, मतलब वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि भाई हमारी ऑयल जो है इम्पोर्ट कम हो जाएगी। और दूसरे देखा जाए कि जी सोलर तो दिन में ही बिजली बनानी है ना उससे, अब जो बंदे को कहते हैं लत लग गई एक चीज़ की, लत से बिजली की लत लग गई, और वो अपने दिन में बिजली घर में चला रहा है, रात में उसको चाहिए, तो इवेंचुअली ही डिमांड ही रिक्वेस्ट फॉर द ग्रिड टू बी देयर, और ग्रिड एक तरह से बैकअप के लिए तो चाहिए ना। ग्रिड से परेशान होकर तो लोग बैटरियाँ लगा रहे हैं, जहाँ पे थी नहीं बिजली वो, क्योंकि वहाँ पे बिजली नहीं थी, तो इस वजह से सो अगर आप किसी एक फैमिली को इमेजिन करें, किसी एक भावलपुर में रहता है, भावलपुर में 50 सेंटीग्रेड की गर्मी है, सुबह भी गर्मी है, रात में भी मौसम बुरा है, रात में बिजली नहीं आ रही, लोड शेडिंग हो रही है, बच्चे ने कल सुबह स्कूल जाना है, पसीने आ रहे हैं सबको, कोई सो नहीं पा रहा, तो वो बाप कुछ भी करके वो पैसे जमा करेगा, उधार लेगा, बैंक से लोन लेगा, कुछ भी करेगा, वो इतना तो काम करेगा ही ना कि यार मेरे बच्चे सो सके, ताकि वो सुबह स्कूल जा सकें या काम पे जो भी कर सके, चल सके, पंखा चल सके, इतना तो बेयर मिनिमम है ना कि वो तो कुछ भी करके करेगा। इसमें मतलब ग्रिड है ही नहीं, लोग ग्रिड से परेशान हो गई तो सोलर पे आए, इसीलिए तो हम ये देख रहे हैं कि जो कराची लॉ इस्लामाबाद के बाहर अडॉप्शन ज़्यादा है, क्योंकि वो ग्रिड से परेशान है, उनके पास ग्रिड है ही नहीं, हम सिर्फ ग्रिड के बिलों से परेशान हैं, वो परेशान है ग्रिड ही नहीं आती, इंटरनेट चलाना है जो है बिजली नहीं है, टीवी देखना है बिजली नहीं है, खाना पकाना है बिजली नहीं है, फ्रिज ठंडा पानी पीना है बिजली नहीं है, सोना है बिजली नहीं है, उनकी तो जिंदगियां ही फ़र्क हो गई ना सोलर आने के बाद से, क्योंकि वो जो कुछ ना था, मतलब हम शहर में इसको देखते नहीं, मगर अगर आप सिर्फ ये देखें कि अंधेरा में जब आप रोशनी होती है और आप उसके नीचे पढ़ सकते हैं, वही एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो आप वहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ बिजली नहीं है, आपको गर्मी लग रही है, आप कुछ कर नहीं सकते सिवाए कागज़ से अपने आप को हवा देने के, वो भी कितनी देर कर लेंगे भाई, क्योंकि बिजली आ गई तो उनकी ज़िंदगियाँ टोटली ही फ़र्क हो गई हैं। ओके, व्हाट्स अ बेयर मिनिमम समवन कैन यूज़ टू, चलो उर्दू में पूछ लेते हैं क्योंकि वो अलग सवाल है, बट सबसे कम क्या इन्वेस्टमेंट हो सकती है? 50,000 सबसे कम, जो छोटी किट आती हैं वो नहीं, 50,000 एक किलोवाट वाली किट 50,000 की होती है, तो एक किलोवाट तो नहीं होता, मगर जो है आधा किलोवाट वाले में 50,000 आपको पैनल बैटरी कंट्रोलर्स ये चीज़ें, दो पंखे, वो जो किट हमने ली थी जैसे, सो वो वाली किट आजकल कोई 80,000 की होगी, वो छोटी 15-20,000 वाली किट, उसमें वो डीसी किट है, डीसी किट है स्टिल क्वाइट चीप, मतलब डीसी की पूछ रहा हूँ, वो कितने की है आइडली? तो वो भी 40-50,000 की तो होगी, बट जैसे 40-50,000 की किट है, कोई अगर घर में कोई किसी के घर में कोई काम करता है, उसके घर में बिजली के मसले हैं, तो उसको आराम से वो दे सकते हैं। सो एज अ किट महंगा मिलते हैं मार्केट में, मगर अगर आप सिर्फ पैनल लेने जाएं, 5,000-6,000 रुपये का एक छोटा पैनल आ जाता है जो आपका एक आध पंखा दे, दो पंखे चला सकता है, तो पैनल लें, कंट्रोलर लगाएं और एक पंखा डीसी लेकर लगा दें, 10-15,000 में उनका काम हो जाएगा। नहीं, क्योंकि उसमें बैटरी, किट में बैटरी भी थी ना, नहीं हमारे सिचुएशन में चीज़ें फ़र्क थी, हमने पूरी किट बनाई थी, मगर आपकी वाली किट की बात नहीं कर रहा, वो तो इतनी अच्छी नहीं, वो जो दराज वाली किट थी, दराज वाली, जो दराज वाली किट ही हुई किट है, और उसमें यही मसला था कि लिथियम लगी हुई थी, ये लगा हुआ था, वो लगा था, नॉर्मली जो है लोग ये करते हैं, एक बस पैनल उनको ख़रीदवा दें आप, बाकी वो ख़ुद अरेंज कर लेते हैं, तो 5-6,000 में अच्छा खासा लोगों को हेल्प हो सकती है। 5-6,000 का पैनल आता है, ये पैनल पिछले साल 18,000 का था, इतना इतनी वाला 5-6,000 का हो गया, 18,000 वाला पैनल आज 5-6,000 का हो गया। यूसुफ, टू टॉक अबाउट ROIs, क्योंकि अगेन हमने ये बात बहुत बार करी है, लेकिन एक क्लैरिटी देने के लिए कि एक लेट्स से एक कंज्यूमर है जिसके 1,000 गज का घर है या जिसका 200 गज का घर है, उसका बिजली का बिल आता है 1,00,000 रुपये या 40,000 रुपये, अब तो एक जो अपार्टमेंट में रहते हैं एहसन भाई रहते हैं, उनका भी 40,000 तक आ जाता है, और उनका तो एक छोटा सा फ्लोर है, तो उन सब लोगों के लिए क्या हाल है और वो कितने महीने का पे बैक पीरियड होता है? तो सोलर में, क्योंकि बहुत अच्छी बात यह है कि सोलर पैनल एक मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, वापसी बोलो, आवाज़ आ रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है। क्योंकि सोलर में बहुत अच्छी बात यह है कि सोलर एक मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी है, वो 500-600 वाट का या 700 वाट का एक पैनल आता है जो मल्टीप्लाई होकर फैक्ट्री में लग जाना है, जहाँ बहुत बड़े यूसेज है, और जो
छोटे से मल्टीपल होके वो घर में लग जाना है जहाँ कंजम्पशन रिलेटिवली कम है, क्योंकि वहाँ पे फॉर एग्जांपल वहाँ पे 10 पैनल लगने हैं, 20 पैनल लगने हैं, एक्स वाई जी पैनल लगने हैं, तो उसकी कॉस्ट उतनी ही हिसाब से बढ़ेगी, क्योंकि उतनी ही हिसाब से बढ़ेगी तो मोर लेस जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा डबल का फ़र्क है, वही होगा 10-15-20% 25% का फ़र्क होगा। आज ऑन एवरेज एक आर ओ आई आप निकाला जाए तो इट्स लेस देन अ ईयर, एक साल से कम में आपके पैसे पूरे हो जाते हैं रेजिडेंशियल में भी, एनीवेयर, और कमर्शियल में और जल्दी, कमर्शियल में और जल्दी। तो एक दुकानदार है जिसके पास छत भी है, उसका महीने के बिल 1,00,000 रुपये आ रहा है, कमर्शियल यूनिट है, तो उसका महीने का पीरियड को कहीं 7-8 महीने का पीरियड होगा पे बैक, 9-10 महीने का, मगर स्टिल 9-10 महीने इज़ रिडिकुलस। और उस टाइम में जब सोलर पैनल बहुत सस्ता हो रहा हो, 9-10-12 महीने का पे बैक हो और लोग इंतज़ार करें, ये समझ से बाहर है, क्योंकि आप जितने दिन इंतज़ार करेंगे उतना आप अपने फ्री बिजली को डिले कर रहे हैं। तो हम 2 रुपये बचाने के लिए हम लोग अपने 40,000 का, हम जो है 10-20 हज़ार रुपये बचाने के लिए हम अपने 50-60 हज़ार रुपये का नुकसान कर रहे हैं। सोलर फ़ौरन नहीं लग जाएगा आप और, तो हम लोग इस बिज़नेस में इसलिए आए थे कि जब आप उस दिन उस वक्त ऑर्डर करते थे तो आपको 6-8 महीने लगते थे सिर्फ आपको इक्विपमेंट आने के लिए, फिर अलग टाइम लगने का। हम इस बिज़नेस में आए तो साथ भाई आपने फैसला कर लिया कि मुझे सोलर चाहिए, अगले दिन आपके घर पर सारा इक्विपमेंट है, उसके बाद लगना है। तो लेट्स से कि मुझे लगवाना है तो मैं आज फ्रेमिंग करानी शुरू कर दूं और अपना मैं सब कुछ इन्वर्टर ले लूं, मतलब जो भी जो जिस जिसके पास भी कैपेसिटी है लगाने की, जहाँ जहाँ कैपेसिटी है लगाने, फौरन आपको फैसले करने चाहिए, क्योंकि 8-10 महीने का ये पे बैक है। ये 8-10 महीने उस दिन शुरू होगा जिस दिन आपका सेटअप लगेगा, आप अभी सोचेंगे फिर फैसला करेंगे फिर वो लगना शुरू होगा, उसमें जो टाइम पीरियड है उसमें बहुत सारा, क्योंकि सिर्फ आप टाइम ज़ाया करें, घर वाले के तो शायद 40-50 हज़ार रुपये बढ़ें, क्योंकि जहाँ बड़ा सेटअप है, जहाँ फैक्ट्री है, जहाँ मेगावाट का सिस्टम लग रहा है, उसके तो डेली का 1.5-2 लाख रुपये का नुकसान है ना। वो जो 1.5 लाख रुपये का नुकसान है, आपने एक महीना सिर्फ डिले कर लिया, 45 लाख रुपये आपने फ्री में दे दिए ग्रिड को, जो आप बचा सकते थे। 45 लाख इज़ अलॉट ऑफ मनी, और ये तो 1 मेगावाट की फैक्ट्री है, फैक्ट्रियाँ तो इससे बहुत बड़ी बड़ी भी होती हैं। तो वो असल जो पॉइंट है वो ये है कि फैसला जो है इसमें तेज़ करना होगा। टेक्नोलॉजी पक चुकी है, टेक्नोलॉजी में अब ऐसा टाइम नहीं है कि यार मैं इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ, ये होगा तो मैं ये करूँगा। टेक्नोलॉजी पक चुकी है, पाकिस्तान में बहुत सारे आ चुके हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लग चुके हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे लगाने वाले, हर चीज़ आइडियल है आज के फ़ौरन लगा ली जाए। अच्छा, एक बंदा रेंट पे रहता है अपने घर पे, उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसको लगाना चाहिए? 1 साल से पहले आपके पैसे पूरे हो जाएंगे, 1 साल आपने बिजली फ्री रह ली, अगली जगह आप जाएंगे अगली जगह वापस लगा लीजिएगा। तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी आती है? मेरे पास फ्रेम भी है, मेरे पास सब कुछ है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट शुड बी 8-10% ऑफ टोटल कॉस्ट आज, मतलब अगर 10 आप 1 महीने का बिजली जो है आपकी इंस्टॉलेशन की कॉस्ट है, तो 20 अगर जैसे 20 लाख का मेरा सेटअप लगा है या सर 10 लाख का भी सेटअप लगा है, तो मैं अपना सोलर में से एक, मैंने ये वाला घर से मैं खुश नहीं हूँ, मैं अगले घर में जा रहा हूँ, मैं 1 लाख रुपये सिर्फ खर्चा आएगा अगले घर में लगाने के लिए, उसी को शिफ्ट करने के लिए उसी में, मगर आप उसको इस पर्सपेक्टिव से देखें ना कि आपने बिजली का बिल 12 महीने के लिए बचाया। हाँ, मतलब 1 लाख रुपये महीना बचाया मैंने। हाँ, आपने हर महीने 1 लाख रुपये बचाए, और जब आपने उसकी टोटल कॉस्ट देनी है वो 1 लाख रुपये देनी है, ताकि मैं अगले नए घर में भी जाके उसको इस्तेमाल कर सकूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है? मेरी क्योंकि बहुत लोगों से डिबेट होती है, कहते हैं भाई हम तो रेंट पे रह रहे हैं, हम तो अपना सोलर कैसे लगा लेंगे, किसी और का घर है, भाई उसने आपको ज़्यादा दी हुई है छत इस्तेमाल करने की, तो आप लगाएं, और आप जब अगले घर में जाएंगे तो अपने सोलर पैनल साथ ले जाएगा, वरना भाई बेच देगा, लेकिन बिजली तो फ्री करा लें अपनी, मतलब वो क्यों नहीं करा। बिजली की एक्सपेंस इतना बड़ा है कि उसको आप लाइटली ले नहीं सकते, चाहे आप जहाँ पे भी हो, आप स्कूल चलाते हो, आप हॉस्पिटल चलाते हो, फैक्ट्री चलाते हो, घर हो आपका। सबसे अच्छी बात इसकी है ना कि आपको जब बिजली जाती है आपके घर में तो वो नहीं जाएगी। तो लेट्स से आपके बहुत अच्छे इलाके में रहते हैं और आपका डाउन टाइम सिर्फ हफ्ते में एक दिन आता है, और वो भी 3-4 घंटे के लिए आता है, मगर वो 3-4 घंटे बड़े मुश्किल होते हैं गुजारने, वो भी आप बच जाएंगे, उसमें जनरेटर नहीं चलाना पड़ेगा, जनरेटर खरीदना नहीं पड़ेगा। So there's a lot of factors which people should be taking into account and not really thinking about this anymore. So मज़े की बात ये है ना कि इतना ज़्यादा सस्ता हो गया, इतना ज़्यादा सस्ता हो गया, ये वही चीज़ थी जो शायद 60,000 की बिक रही थी, अभी वो 20,000 की बिक रही है। 60 with 20 in comparison बहुत बड़ा फ़र्क है।
मुझे याद है हम वीडियोस देखा करते थे, आईफोन 1,00,000 रुपए का हो गया, 80,000 रुपए का हो गया, लोग किडनी बेच के लेते थे। आज वही चीज़ 6,00,000 रुपए की है, 7,00,000 रुपए की, रिलेटिवली एक चीज़ जो उस वक्त महंगी होती थी और आज उल्टी है, जबकि हर जगह फ़र्क हुआ है, हर जगह चीज़ महंगी हुई है, इसमें सस्ता हुआ है। आज इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है कि लोग फ्रंट एलिवेशन सोलर की बना रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, हम एलिवेशन बना देते हैं, कुछ ना कुछ तो बिजली बना ही देगा, खूबसूरत भी है। हम शीशा भी तो बहुत महंगा है, शीशे की हर चीज़। सो हमने अभी एक्सपो हुई थी और एक्सपो पे हमने इस चीज़ को शोकेस करने के लिए हमने सोलर पैनल से एक टेबल टेनिस टेबल बनाई, कि टेबल टेनिस टेबल इज़ मोर एक्सपेंसिव देन अ सोलर पैनल। सोलर की प्लेट वो कितने साइज़ की थी? अब वो थी 4x8। 4x8 की थी, वो कितने की वाली प्लेट, वो कितने की होती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू? वो 20-22,000 रुपये की है। और अभी टेबल टेनिस की टेबल ख़रीदने जाऊँ मैं तो इट शुड भी 25,000। मगर एक वो चीज़ है ना, जिस मतलब एक एक वो चीज़ है जिसका काम बिजली भी बनाएगा और आप उस पर खेल भी सकते हैं, आउटडोर लगा दें, मतलब उसकी फंक्शनैलिटीज़ अब बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि एक चीज़ इतनी ज़्यादा सस्ती हो गई कि उसका अब क्या क्या होगा। बहुत सारे लोग इसको प्लान इस तरीके से करें कि यार हम छत क्यों बनाएं, हमने अरे बब्बू ने एक वीडियो नहीं शेयर करी थी अभी, वो एक साहब ने अपने लोगों ने प्लास्टर करना शुरू किया, प्लास्टर उसके ऊपर, प्लास्टर तो अच्छी चीज़ नहीं है ना, उसके ऊपर साइड पर प्लास्टर कर रहे हैं, बुराई भी नहीं है। मैं देखिए वो शायद बहुत ज़्यादा रेप्लिकेट नहीं हो सकेगा वो मॉडल, पर फिर भी अब इसके इस्तेमाल इतने ज़्यादा बढ़ेंगे क्योंकि वो सस्ता इतना हो गया है कि उसके नए नए इस्तेमाल निकलेंगे। लोगों ने इस तरीके से करना शुरू किया, लोग ओपन शेड बनाते थे और पहले ये करते थे कि वो पहले एलुमिनियम की चादर से शेड बनता था, उसके बाद सोलर लगता था। अब वो इतना सस्ता हो गया सोलर पैनल कि वो कहते हैं अरे एलुमिनियम की चादर की क्यों कॉस्ट हम बेयर करें, सिर्फ सोलर पैनल लगाएंगे, उसको वाटर प्रूफिंग करनी है वाटर प्रूफिंग कर लेंगे। मगर इतना ज़्यादा सस्ता हो गया है कि उसकी यूजेज, उसकी यूजेज बहुत सारे बढ़ेंगे, नए नए जगहों पे लगेंगे, नए नए तरीके से लगेंगे। कल भी हम जो वेयर हाउस गए वहाँ पर यही था कि भाई अच्छा यहाँ तो लग ही सकता है और यहाँ यहाँ भी लग सकता है क्या, और हर चीज़ इतनी अफोर्डेबल है कि वो हर जगह लगेगा, हर जगह अब नज़र आना शुरू हो जाएगा अगले 6 महीने में, इसके बहुत सारे नए इस्तेमाल निकलेंगे। मैं तो अभी ये भी सोच रहा हूँ कि हमने अगला ऑफिस जो बनाना है उसमें सोच रहा था कमरे बनाऊँगा मैं शीशे के, और मैं शीशे के नहीं बनाऊँगा, मैं सोलर पैनल अंदर ही बना लूँगा, चाहे थोड़ी सी बिजली मेरी लाइट ही चल जाए, मगर शीशे से सस्ता पड़ेगा एक्चुअली मुझे, शीशे से सस्ता है तो भाई जान शीशे से सस्ता हो गया है तो शीशा जहाँ पर लगाना है अपने उसी जगह सोलर पैनल लगा ले और इस्तेमाल बढ़ा ले। इफ देयर इज एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड बिफोर एंडिंग इट प्लीज़ डू। बिल्कुल यही कि आइडियल टाइम है हम सब के लिए कि हम किसी तरीके से अपनी एनर्जी कंजम्पशन को बेहतर कर सकें, चीज़ों को फ़ायदा उठा सकें, आइडियल टाइम है हर चीज़ के लिए, हमें फैसले करने हैं, फैसले करें। तो कौन कौन से बैंक्स फाइनेंसिंग दे रही हैं? सारे बैंक्स। स्टेट बैंक दे रहा है, और इसका नाम क्या है फाइनेंसिंग का? सो पहले स्पेसिफिक होती थी सोलर फाइनेंसिंग, वो बहुत वो एक अलग प्रोजेक्ट था, मगर अब वो वाला प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। अब किसी भी बैंक से आपको सोलर फाइनेंसिंग, जैसे आपको हाउस होल्ड के लिए मिल जाती है, गाड़ी के लिए मिल जाती है, आजकल सोलर के लिए भी उसी तरीके से मिल जाती है। ऑसम, चले थैंक यू सो मच फॉर इनलाइटनिंग अस फॉर विद दिस मैसिव नीड ऑफ आर आवर एंड एक्चुअली टेक इन अकाउंट के जी हम लोग बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना लगा के एज एन कंज्यूमर एंड एज अ नेशन इवन, अपनी जो इस्तेमाल है, असल तो चीज़ है ना कि चलो ग्रिड वाली जो इंडस्ट्री है वो एक इंडस्ट्री है, हम उसको शायद थोड़ा सा हम उसको अकाउंट में नहीं रखेंगे, हम अपने बिज़नेस को अकाउंट में रखेंगे, हम अपनी एनर्जी प्राइस को अकाउंट में रखेंगे। जहाँ पे सॉक्स को बनाने में 10 रुपये की बिजली लगती थी, आज शायद 2 रुपये की लगे, तो इस सब चीज़ों को कंसिडर करें ना। जहाँ पे आपके कारखाने की बिजली 1,00,000 रुपये आती थी, आज वो 0 रुपये हो सकती है, तो आप अपना सामान और सस्ता करके कंपेटिटिव प्राइस में आराम से जल्दी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जस्ट लुकिंग एट दैट, अच्छा सॉरी आखिरी में क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था, विच इज़ जस्ट अ पर्सपेक्टिव, इट्स नॉट, इट्स अ डिस्कशन बिटवीन अस, इट्स नॉट समथिंग दैट वी हैव अ लॉट ऑफ डेटा ऑन, बिकॉज वी नॉट इकोनॉमिस्ट और वी नॉट इंडस्ट्रियलिस्ट ऑन दैट स्केल, बट हम क्योंकि कारोबार की फैमिली से हैं, हमें दिखता है कि लोग फैक्ट्रियाँ लगा भी रहे हैं और चीज़ें हो भी रही हैं, इट्स नॉट एट अ स्केल दैट वी वॉन्ट टू लुक एट। जो ये वाली उम्र है, जिस जो ये वाली जनरेशन है हमारे सारे फैमिली, हम फैमिलीज़ में, चाहे मेमन में हो, दिल्ली वालों में हो, चाहे वो किसी भी और बरादरी में हो, किसी भी और कास्ट में हो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं भी है,
जो इंटरलूप वाले साहब भी थे उन्होंने फैक्ट्री शुरू करी थी 1 करोड़ रुपए में अपना थोड़े से प्लॉट बेच के और लोन लेके। तो उस तरह भी आज के दौर में भी आपको लगता है कि लोगों को फैक्ट्रियाँ लगानी चाहिए? बिल्कुल। तो हमें जी माइंडसेट है कि वो नहीं, अब नहीं इन्वेस्ट करना, प्रोडक्ट में लगा दो। प्लॉट्स आर डेड, एवरी इन्वेस्टमेंट्स फिक्स इन्वेस्टमेंट इज डेड। आज जो सिर्फ चल रहा है वो सॉफ्टवेयर हाउस चल रहा है, सर्विसेज आप दे सकें किसी को, सर्विस कंपनी बन जाए वो चल रहा है या फैक्ट्री चल रही है। टेक्सटाइल में बूम चल रहा है, चीज़ें बहुत आसान हैं, करनी वाली होनी चाहिए। एक भाई एक्सपो में मिले, उन्होंने बताया 2012 में पाकिस्तान में एक सोलर पैनल की एक और टेक्नोलॉजी होती है, उस टेक्नोलॉजी पर हम काम करते थे और हमने फ्रांस में बेचते थे। अगर सो स्पेशलाइज टेक्नोलॉजी पर आप काम करें या बाहर बेचें, वाई नॉट, वो एक बहुत बड़ा, बहुत बड़ी चीज़ है जो वो आएगी और बहुत बड़े स्कोप है उस पर कि आप किसी भी सर्जिकल इक्विपमेंट की कोई स्पेसिफिक उठा लें या कोई भी एक स्पेसिफिक चीज़ हो उसमें आप, और एज पर फुल फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग ना भी हो, सर्विसेज में भी जा सकते हैं। इंटरव्यू वाले साहब, अगर मैं उनका इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं रात में बैठा हुआ 2 बजे तक उनका पॉडकास्ट देख रहा था 2 घंटे का, मगर उनका भी, और वो बताए भी यही रहते कि वियतनाम में भी अगर लेट्स से हम कहते हैं उनका 40 बिलियन का एक्सपोर्ट है तो उनके साथ 40 बिलियन का इम्पोर्ट भी है। वो मटेरियल दुनिया भर से मंगवाते हैं, उधर सर्विस करते हैं, अपने बंदों को खपत देते हैं, नौकरी देते हैं और फिर एक्सपोर्ट कर देते हैं। और असल तो कमाल ये है ना कि आपके 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 जो मुल्क में रहने वाले हैं उनको फ़ायदा हो, उनके पास जॉब्स हों, उनका लिविंग स्टाइल बेहतर हो, लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो, उनको फ़ायदा हो और एज अ कम्यूनिटी चीज़ें बेहतर हों। EPZ में एक साहब गोश्त वो बकरे मंगवाते हैं और गोश्त एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक फैक्ट्री है जो यूरोप से गायें भैंसें आती हैं, कुर्बानी होती है और वापस यूरोप एक्सपोर्ट हो जाती है। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कराची में एक एरिया है जिसमें आप एक्सपोर्ट की सर्विसिंग कर सकते हैं, तो उसमें कभी इंपोर्ट होता नहीं मटीरियल। एक वो लैंड है जो पाकिस्तान के बाहर होता है थियोरेटिकली, उसमें लोगों ने यूज क्लोथिंग की फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, उसमें लोगों ने प्लास्टिक रिसाइकिलिंग की लगाई, उन्होंने हर उस इंडस्ट्री की लगाई हुई है जिसमें वो पाकिस्तान में कुछ सर्विस कर सकें और उसको वापस री एक्सपोर्ट कर सकें जिससे जो है फ़ायदा हो और जिसमें इवन इफ यू नॉट फिजिकली लोकेटेड इन द EPZ, आपके पास बहुत सारे और ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप टैक्स फ्री चीज़ें मंगवा के आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि जी मैं ये मंगवाऊंगा, सिर्फ सर्विस करूंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा। सो यू डोंट रियली नीड टू बी इन EPZ, बट इन EPZ ऑल्सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस अवेलेबल। सो बट कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, इट्स अ वेरी गुड कंट्री टू बी इन, इट्स एन अमेजिंग प्लेस टू बी इन। हमारे पास एज इंडिविजुअल्स बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएँ। आप क्यों नहीं जाते छोड़ के? सो हम बीच में पाकिस्तान में जब फॉरेन एक्सचेंज का इशू हुआ था, हम लोगों ने कोशिश की कि भाई पाकिस्तान में तो बिजनेस नहीं हो रहा, दुबई में ट्राई करते हैं। दुबई में किया, सीरिया में किया। सो हम लोगों ने जो है शायद जो प्रॉफिट होगा वो तो एक मुनासिब बन गया होगा दुबई में, मगर बिजनेस का वॉल्यूम वो नहीं है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान इज़ अ वेरी 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 ह्यूज कंट्री, अ वेरी ह्यूज इकॉनमी। पाकिस्तान बिजनेस करना बहुत आसान है रिलेटिवली। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं वहाँ बहुत आसान होता है कि आप किसी भी एक प्रॉब्लम को पकड़ लें कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, मैं ये हल करूँगा इससे, और उससे पैसे भी बन जाते हैं। एंड माय पर्सनल पर्सपेक्टिव इज़ दैट वी डोंट रियली नीड FDI, वी डोंट नीड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, वी हैव so many plots in Berea Town, DHA, all of these places, Garo, and we just sell one of those, set up a factory. So Sri Lanka is a good good example कि Sri Lanka में बहुत सारी छोटी छोटी factories हैं। Sri Lanka में elephant poop से paper बनाते हैं, Sri Lanka में tea, बहुत मतलब हर जगह चाय की पत्ती चाइना बिक्री होती है। हमारे छोटे छोटे कारखाने होते हैं, Sri Lanka से guest आते हैं वो चाय की पत्ती लाते हैं। अब सोचते हैं हम क्या लेके जा सकते हैं, हमें समझ भी नहीं आता। तो चाय पाकिस्तान से ज़्यादा चाय दुनिया में नहीं पीते होंगे। दुनिया में सबसे बड़ा जो पान के पत्ते का इम्पोर्टर है वो पाकिस्तान है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। पाकिस्तान में बहुत मज़े के डेट खजूर के बिस्किट बनते हैं, सऊदी में नहीं बनते। सऊदी में एक्सपोर्ट करें, टर्की एक्सपोर्ट करें, टर्किश डिलाइट पूरी दुनिया में मशहूर है। क्यों नहीं हम अपना ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं जो हम वहाँ भी करें, जो पाकिस्तान के नाम पे मशहूर हो। बिरयानी पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मशहूर है,
और हम कैंड बेचते ही नहीं है। क्यों पूरी दुनिया में जो है फूड चेन क्यों नहीं है बिरयानी की? देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान से बाहर हम करें, और पाकिस्तान से जितना अफोर्डेबल जगह भी कोई नहीं है रहने के लिए। सही बात है, इज अ लॉट टू डू। बहुत अच्छी एग्जाम्पल कैंड चीज़ों की जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होती है, मसाले एक्सपोर्ट होते हैं। पाकोला कितने एक्सपोर्ट होते हैं? तो चलो पाकोला तो हमारे वाले लोग ही पीते हैं, बट शान के मसाले यही तो कमाल है कि हमारे वाले ही जो बाहर हैं उन्हीं को हम फैसिलिटेट कर दें। क्या ज़रूरत है कि वो गोरे उनको कोई आइटम दें, क्यों ना हम ही कर दें। एक बहुत बड़ा जो डेटा लोग भूल जाते हैं वो ये है कि जो नॉर्वे में 10% पॉपुलेशन है पाकिस्तानी से, 10% 4 लाख लोग नॉर्वे में, जो 40 लाख उनकी पॉपुलेशन है, तो 4 लाख लोग सिर्फ पाकिस्तानी है। एंड एवरीवन अर्न्स एटलीस्ट 3500 to 4000 यूरोज़ अ मंथ, सो दे हैव अ लार्ज, वेरी लार्ज पॉकेट इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर्स, नॉट एज मच एज सेविंग्स, बट ये सब अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं जिसको हम कैश नहीं करते, हमें करनी चाहिए। विद दैट नोट वी सी अ रियली, आई होप यू सी अ वेरी गुड फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एज वेल, आई डू, एंड आई थिंक के सो मैं सिर्फ एक चीज़ और मज़ीद ऐड करना चाहूँगा। द मोस्ट अमेजिंग थिंग इज कि पाकिस्तान में हमारे पास आबादी बहुत ज़्यादा है, और उस हमारे पास स्किल भी है, अगर हम लोगों को सही ट्रेन कर दें तो हमारे पास स्किल भी बहुत आ जाता है। पिछले 3-4 साल में लोगों ने बहुत बातें की कि पाकिस्तान से लोग बाहर गए, वो इस वजह से ही बाहर एक्सेप्ट हो पाए कि उनके पास कोई स्किल था, इंजीनियरिंग थी, मेडिकल था, कुछ भी एक्सवाइजी स्किल था, इस वजह से बाहर वालों ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। और अगर हम मज़ीद ट्रेन कर सकते हैं तो ये सर्विसिंग इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि वही काम जो शायद मिडल ईस्ट में 10 लाख का होता है वो पाकिस्तान में 1 लाख का हो सकता है, और वाई नॉट सेल इट फॉर 10 लाख मिडल ईस्ट में। बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान में बहुत आसानी से होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं, वही काम सिर्फ हम ही बाहर जाके करना शुरू कर दें और उससे फ़ायदा उठाना शुरू कर दें। तो हम देख भी रहे हैं बल्कि अभी कि जैसे रियाद में बहुत सारा टेक इकोसिस्टम जा रहा है, तो सारा जो वर्क फोर्स है वो यहीं से जा रही है। अभी तक चलो ये बहुत अच्छी बात है कि वर्क फोर्स जा रही है, अगला स्टेप ये होगा कि स्टार्टअप्स पाकिस्तानी होंगे, पैसे जो नहीं उस सारी कमाई है, स्टार्टअप पाकिस्तानी भी है। अब जो अगली बड़ी कमाई है वो फिर पाकिस्तान की होगी। असल तो गोल ये है ना कि पाकिस्तान के लोग खुश होना शुरू हों, पाकिस्तान एक बेहतर कम्युनिटी बन सके। एक तरफ से ये है ना कि चलो हमारा वर्कफोर्स जा रहा है, हमने आज से 3 साल पहले 4 साल पहले बल्कि जो पाकिस्तान में $1.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट आई स्टार्टअप्स की, उसमें हमने ये देखा कि जो फाउंडर है वो पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान छोड़ के चला गया था और वो वापस आया, और वो वापस आया, उसने आके अपना टाइम लगाया, वो पैसा लेकर आया, उसकी वजह से पैसा आया, राइट? तो उसकी वजह से $1.5 बिलियन पाकिस्तान आया, दैट वॉज ऑल इन्वेस्टमेंट, दैट वॉज सपोज टू मल्टीप्लाइड। सो वाइल वी हैव सो मेनी पीपल गोइंग अब्रॉड, वी स्टिल हैव अ पॉपुलेशन 250 million पीपल, इवन इफ 5 million गो टुडे, वी स्टिल हैव 245 million। सो टू कंज्यूम ऑल ऑफ दोज, उनकी नीड्स भी तो है ना। पूरी दुनिया में प्लम्बर काम करते हैं, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिशियंस की ज़रूरत होती है, मेडिकल असिस्टेंट्स की ज़रूरत होती है, चाहे लोअर रेंज में हो या हाई रेंज में, हर बंदे की ज़रूरत हर जगह है। तो जहाँ हम लोअर लेबर को भेज सकते हैं वहाँ हमें लोअर लेबर को भेजना चाहिए, जहाँ हम बेहतर सर्विस दे सकें वहाँ बेहतर सर्विस देनी चाहिए। जापानी CG आया हुआ था कौंसल जनरल, और वो कह रहा था कि जापान, क्योंकि जापान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, तो जापान ने प्रोग्राम्स निकाले हुए हैं कि आप पाकिस्तान से आ जाओ, पाकिस्तान की अच्छी दोस्ती है जापान से, एंड जस्ट स्टार्ट वर्किंग देयर। इंडिया में हमने देखा कि जो बहुत बिजनेस ग्रो किया, हर तरह का बिजनेस ग्रो किया, वो कौन, किसने ग्रो किया? वो वही बंदा आया ना। चलो वाइल्ड दे हैव द 4 top companies, द मिडिल हायर क्लास जो उन्होंने ग्रो करी है, जो बिजनेस ग्रो करें स्केल के ऊपर, वही हैं जो पाकिस्तान, वो इंडिया से बाहर जा चुके थे, वो सीख कर वापसी आए, उन्होंने दुबई गए, दुबई पैसे कमाए, वापस आए, और कितने सिचुएशन हैं ऐसी। इमार भी इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि यहाँ से इन्वेस्टमेंट गई थी। बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तानी कंपनीज ने अब शुरू कर दिया है कि बाहर सर्विसेज देना, एनर्जी फील्ड में भी आ गई हैं, सॉफ्टवेयर फील्ड में भी। मेरा इसको ग्रोथ कैसे दें वो एक नेक्स्ट स्टेप होगा कि बहुत सारी कंपनीज ग्रो करें और नई चीज़ें नज़र आए देखने में।
चलें इधर इसी नोट पे हम लोग बस ये कहना चाहेंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगर आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करें, दिस इज़ नॉट अ सेल्स पिच बट जस्ट टू क्लैरिफाई, जस्ट टू पुट इट आउट देयर, सो मच टू बी डन एंड यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट समवन. इफ़ यू नॉट विलिंग टू डू इट योरसेल्फ, इफ़ यू वॉन्ट अ डेड इन्वेस्टमेंट, जस्ट इन्वेस्टेड इन समवन हू कैन इन्वेस्टेड इन इट इज इवन एनर्जी इवन एंड दे कैन रन द बिजनेस एंड यू गेट मनी सिटिंग एट होम. तो बैठे बैठाए पैसे खाने की आदत है हमें, उसी के लिए अगर ये कर लें तो भी बहुत अच्छा है कि अपने पड़ोसी के पास सोलर पैनल लगा दें, उससे बिजली का बिल कलेक्ट करते रहें, तो अपने भाई के पास लगवा दें, अपनी बहन के पास लगवा दें जहाँ से आपको पता है कि रिकवरी ईजी रहेगी. तो इस तरह बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पर की जा सकती हैं. बट अगेन थैंक यू सो मच यूसुफ फॉर डूइंग दिस. आई पर्सनली डू थिंक क्वाइट अ लॉट के मीसोल की और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में इन द सेंस ऑफ एक्सपैंडिंग द अवेयरनेस ऑफ सोलर पैनल्स एंड एक्चुअली सप्लाइंग इट टू पीपल हु नीड इट. बहुत ही फ़ायदे का काम है और इसमें बहुत सवाब का काम है कि लोगों को इससे फ़ायदा हुआ और उसमें आई एम श्योर लोगों को जिस जो जो आपने खुशी फैलाई है उसमें आपको सवाब मिला. तो बस काम करते रहिए आप भी और जो जो देख रहे हैं वो भी. ऑन दैट नोट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड फॉर योर टाइम एंड आई रियली होप कि आपका भी अपना पॉडकास्ट शुरू कर लें. अच्छा स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योरशिप Starting your own new business. Join me every week as we dive into stories, topics, and advices from the top founders, innovators, the crazy ones, the misfits, the troublemakers. Every Saturday at 4 p.m. I'll see you there.